डायमंड पैटर्न देख पा रहे हो, यह डायमंड पैटर्न इतना शानदार है जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ओम, आपके अपने बाना मार्बल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो थी अल्बर्टा मार्बल की टाइल्स के ऊपर। बहुत से लोगों ने उसे देखा, बहुत से लोगों ने हमें रिक्वायरमेंट करी टाइल्स के अंदर। तो उसी वीडियो में मैंने कहा था कि अल्बर्टा मार्बल की स्लैब भी दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं आज प्रेजेंट टाइम के ऊपर, जो मेरे गोडाउन में अवेलेबल स्टॉक है उसमें सबसे जो बेस्ट स्लैब है अल्बर्टा के अंदर, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अल्बर्टा और चकडूंगरी में क्या डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे गोडाउन पे आपको 50 रुपये से लेके 800 रुपये, 1000 रुपये स्क्वायर फीट तक का मार्बल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपके बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आज की जो वीडियो होने वाली है अल्बर्टा मार्बल में, जो प्रेजेंट टाइम पे जो मेरे पास सबसे टॉप क्वालिटी का मार्बल और जो आप परचेज भी कर सकते हो अपने बजट के अंदर, वो वाली स्लैब आपको दिखाने वाला हूँ। कि चार पीस मैंने अल्बर्टा मार्बल की स्लैब के मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं। क्योंकि ये जो मार्बल है डिज़ाइन के अंदर है, तो डिज़ाइन तभी दिखेगी जब इसके आप चार पीस डिस्प्ले करते हो। और इसी के पास में मैंने चकडूंगरी मार्बल की जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है वो लगा के रख रखी है, जो प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास सबसे अच्छी वाइटनेस में और अच्छी रिकवरी की जो चकडूंगरी की स्लैब है वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये जो है लाइनिंग के अंदर है, इस वजह से इसके सिर्फ 2 पीस हमने डिस्प्ले किए हैं। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा वाइटनेस है कि आपको इसकी लाइनिंग दिख भी नहीं पाएगी, इतनी शानदार इसकी वाइटनेस और इसकी लाइनिंग है। बात करते हैं अल्बर्टा की स्लैब की। इस स्लैब के अंदर आपको यहाँ पे एक डायमंड पैटर्न देखने को मिलेगा, छोटा सा डायमंड देखने को मिलेगा। और बाकी जो बेस रहने वाला है अच्छा वाइटनेस का बेस रहने वाला है, पेंसिल लाइनिंग जाने वाली है, बाकी जो एरिया में पेंसिल लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। और इस स्लैब की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी इसकी तारीफ कम रहने वाली है। क्योंकि ये जो मटेरियल है पानी वाला माल है। पानी वाला माल क्या होता है आप सभी को मैं बता देता हूँ। जब माइंस में पानी भर जाता है और माइंस में पानी भरने के बाद जो ब्लॉक, जो पत्थर नीचे माइंस में रहता है, उस पत्थर में रखे रखे ही उसकी शाइनिंग आ जाती है। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मकराना मार्बल में कैल्शियम है, जितना आप इसे रगड़ोगे, जितना इसको आप पानी से साफ करोगे उतना ये चमकेगा। वैसे ही ये पत्थर अपने आप रखा और रखा ब्लॉक ही चमकने लग जाता है। तो इसकी इतनी ज़्यादा शाइनिंग आने वाली है, इतना ज़्यादा ग्लेज आने वाला है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अब इस पर मैं वाटर अप्लाई करके आपको इन दोनों स्लैब का लुक दिखा देता हूँ कि क्या इसका पैटर्न है, कैसा इसका लुक है। तो आप सभी के लिए मैंने इस पे वाटर अप्लाई कर दिया है, और वाटर अप्लाई करते ही आपको इसका पैटर्न और इसका कलर सब कुछ एक्यूरेट दिखने लग जाएगा। अब आप इसकी देखिए डिज़ाइन, थोड़ा सा पीस जो है एक्यूरेट कटिंग नहीं होने की वजह से आप इसमें गैप देख सकते हो, बट अब जब आप इसे एक्चुअल में फिटिंग करवा दोगे तो ये सारे जॉइंट आप फिल हो जाएंगे अपने आप में और सारा पैटर्न एक्यूरेट बनेगा। ये जो आप पैटर्न देख पा रहे हो, जो डायमंड पैटर्न देख पा रहे हो, ये डायमंड पैटर्न इतना शानदार है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। और इतनी ज़्यादा वाइटनेस है इस स्लैब की। अब आप बोलोगे कि भैया हम कैसे माने कि ये ज़्यादा वाइटनेस में है या कम वाइटनेस में, तो एक बार मैं आपको इसकी वाइटनेस दिखाने के लिए इसके एक पीस को खड़ा करके आपको दिखाता हूँ। और अब आप इसकी एक बार वाइटनेस देखिए, मतलब रात को भी उजाला कर देगा इतना ये वाइटनेस में मटेरियल रहने वाला है। वाइटनेस तो बहुत सारे मटेरियल आते हैं, बट इसका जो लक्स्चर है, जो इसका जो चिकनाहट है वो मेरे को ज़्यादा पसंद आई है। मतलब इसमें ज़्यादा चिकनाहट होने की वजह से इस पर लुक जो है सबसे शानदार आएगा। बहुत ज़्यादा इसमें चिकनाहट है, मतलब मेरा हाथ रुक नहीं पाता इतनी इसके अंदर चिकनाहट है। जब यह मटेरियल जिस घर में लग गया, मैं गारंटी लेता हूँ उस घर की रौनक बदल जाएगी, उस घर की चमक बदल जाएगी। जो भी इस घर को देखेगा वो बोलेगा कि यार मार्बल लगवाना है तो ऐसा ही मार्बल लगवाना है, इतना ही ये शानदार क्वालिटी है। इसी वजह से मकराना का अल्बर्टा मार्बल पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड रहती है। और जो मार्बल लगाना चाहते हैं उसकी दिल्ली ख्वाहिश क्या होती है कि वो अल्बर्टा मार्बल लगा सके। बजट में आ पाता है कईयों के नहीं आ पाता, बट दिल से इच्छा यही रहता है कि वो अल्बर्टा मार्बल अपने घर पर लगाए, क्योंकि ये सबसे टॉप क्वालिटी, मतलब किंग मांग लीजिए, मतलब टॉप से टॉप जो चीज़ आती है वो क्वालिटी आप देख पा रहे हो। मैं वापस इसका पीस आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये देखिए।
तो जैसा कि आपने ये स्लैब देखी, क्वांटिटी की बात करें, ये सिंगल स्लैब क्वांटिटी के अंदर 800 स्क्वायर फीट रहने वाली है। साइज की अगर अपन बात करें तो 5 फीट इसकी लेंथ रहने वाली है और 2.5 फीट इसकी हाइट रहने वाली है। साइज एक्यूरेट अच्छी साइज है, साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको, लक्सर की कोई कमी नहीं है, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। बट ये जो आप स्लैब देख पा रहे हो ये लिमिटेड है, ये हजारों लोग वीडियो देख रहे होंगे, हजारों में से किसके घर पे जाएगी? सिर्फ एक कस्टमर या एक व्यूअर्स के घर पे। कौन होगा वो मेरी नज़र में तो किस्मत वाला ही होगा, क्योंकि ऐसा चीज़ बार बार नहीं आता। मान के चलिए ये चीज़ जो आप देख पा रहे हो, ये चीज़ आज अगर मैं अपने घर पे लगाऊं तो ऐसा ही चीज़ लगाना चाहूँगा, बार बार नहीं आएगी ऐसी चीज़। इसलिए बोलूँगा मिस मत करिएगा, अगर आपको अल्बर्टा में जाना है, अल्बर्टा में टॉप क्वालिटी में जाना है, प्रीमियम चीज़ के अंदर जाना है, तो इसे आप सोच के भी मत भूलिएगा कि ये चीज़ आपको दोबारा मिल पाएगी, नहीं मिलेगी। इतनी शानदार ये चीज़ रहने वाली है। क्वांटिटी बता दी, साइज बता दी, बात करते प्राइस की, तो अल्बर्टा मार्बल की जो प्राइसिंग रहती है मिनिमम मान के चलिए आप 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 200 से लेके 300, 400, 700, 1500 इस तरीके से प्राइस चलती है। तो प्राइसिंग डिपेंड करती है उसकी साइज पे, उसकी क्वांटिटी पे, उसकी वाइटनेस पे, उसके कलर पे, हर चीज़ पे आपको प्राइस डिपेंड करती है। बात करते हैं इस स्लैब की जो चकडूंगरी मार्बल की है, ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। चकडूंगरी की सबसे शानदार वाइटनेस की स्लैब है ये, कलर बहुत अच्छा वाइटनेस में है, क्रिस्टल बिल्कुल फाइन क्रिस्टल है, बिल्कुल बारीक क्रिस्टल है इसका, ये और ये दोनों बारीक क्रिस्टल के अंदर है। बट इसमें आपको जो पैटर्न है उतना खिल के उतना उभर के नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये चकडूंगरी मार्बल है। ज़्यादा अगर आपको क्लियर पैटर्न या 3D जो बोलते हैं, 3D अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो 3D डिज़ाइन आपका आएगी अल्बर्टा में। अगर आपको प्लेन डिज़ाइन चाहिए, नॉर्मल लुक चाहिए, तो आएगा आपका चकडूंगरी के अंदर। तो ये चीज़ है, इसमें प्लेन बेस है। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे मेरे घर में प्लेन बेस चाहिए, कोई उभरी हुई लाइनिंग नहीं, कोई ब्लैक लाइनिंग नहीं, कोई अटपटा डिज़ाइन नहीं, तो ये मार्बल आपके लिए हो सकता है अच्छा। इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, सिंपल प्लेन वाइटनेस का बेस है, वाइटनेस का बेस। प्लेन बेस से अगर कोई मार्बल रहता है उसमें अगर ब्लैक लाइनिंग आ जाती है तो उसकी वाइटनेस को थोड़ा सा दबा देती है, बट ये जो चीज़ है प्लेन बेस रहने से उसकी वाइट सिमिलर दिखेगा, आपका पूरा फ्लोर सिमिलर दिखने वाला है, ऐसा कोई उसमें ऐसा नहीं दिखेगा, पूरा वाइटनेस का दिखेगा। तो ये फायदा है इस स्लैब का। अब इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जो है अब वो 100 रुपीज़ रहने वाली है, 100 रुपये से अब वो इसकी प्राइस रहने वाली है। एक्चुअल प्राइस अगर आपको जानी है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर किस लिए दिए हुए हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। इसकी एक्चुअल क्वांटिटी, इसकी एक्चुअल साइज, इसका मेजरमेंट का तरीका, मेजरमेंट का तरीका भी बता देता हूँ कि मकराना मेजरमेंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्लैब अपन बात करते हैं, इस स्लैब की एक्चुअल जो साइज आपको मैं बताता हूँ, आप देखोगे 67 इंच से ज़्यादा आ रही है तो अपना जो मेजरमेंट होगा 66 इंच होगा। हाइट के अंदर अगर बात करें तो हाइट में ये 30 इंच आ रही है, 30 इंच इसकी एक्चुअल हाइट आ रही है और अपना मेजरमेंट होगा 27 इंच, 27 इंच इसका मेजरमेंट होगा, तो 3 इंच इधर से मार्जिन मिलने वाला है। तो आप सोचो अगर आपके घर पे मिस्त्री लगाएगा वो उसे आधा इंची काटेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंची काटेगा, फिर भी आपका मार्जिन इसमें बढ़ेगा। तो कोई बोलते हैं कि यार आपका 1000 फुट का एरिया है तो आप 1500 फुट मार्बल लो, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो मेजरमेंट हम देंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना आप लोगे उतना आपका लग जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों मटेरियल आपको पसंद आए होंगे, जल्दी आप कॉन्टैक्ट करोगे, जल्दी इस मटेरियल को सेलेक्ट करोगे। ज़्यादा सोचोगे तो ऐसा मटेरियल आपके हाथ से निकल जाएगा, दोबारा ऐसा मटेरियल आएगा नहीं। या फिर कई कस्टमर जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत से कस्टमर हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करके बोलते हैं कि बाना जी आप भेज दीजिए जो आपको भेजना है, तो उन्हें मैं रिकमेंड कर देता हूँ, वो तुरंत इसे ले लेंगे। बट मैं उन्हें मौका देना चाहता हूँ जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, जो मेरे चैनल को आज वीडियो देखने से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बोल रहा हूँ कि एक बार जल्दी कॉन्टैक्ट करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए मटेरियल के साथ। थैंक यू।